नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नई वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा एम स्लेज 150 के बारे में। और आज हम जानेंगे गाइस कि क्या इस बाइक का प्राइस होएगा, क्या इस बाइक में फीचर है और कब तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो सकती है। और गाइस, इसके अलावा हम ये बात करने वाले हैं कि इस बाइक को फ्यूचर की FZ वर्जन 4 क्यों बोल रहे हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर अब तक न्यू हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए गाइस, अब बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के लुक्स के बारे में। तो इस बाइक की गाइस कुछ इस तरह के लुक्स होंगे। यहाँ पर आपको इस बाइक में फ्रंट में LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे और रियर में गाइस आपको इस बाइक में LED टेल लाइट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर बात की जाए इस बाइक के इंजन के बारे में तो इस बाइक में आएगा 149 cc सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल्ड इंजन। और ये इंजन प्रोड्यूस करेगा 16 HP की मैक्सिमम पावर और 14.3 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। और यहाँ पर आपको इस बाइक में 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। 10.2 लीटर की इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इस बाइक से मिलने वाली माइलेज के बारे में तो यहाँ पर आपको इस बाइक से 45 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज देखने को मिल जाएगी और 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास के इस बाइक की टॉप स्पीड जो है वो भी हमें देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर बात की जाए इस बाइक के फ्रेम और सस्पेंशन के बारे में तो इस बाइक की जो चैसी है वो बिल्ट हुई है डायमंड फ्रेम डिजाइन के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पर आपको इस बाइक के फ्रंट में देखने को मिलेंगे 37mm के USD फॉक्स सस्पेंशन। और आपको इस बाइक के रियर में देखने को मिलेंगे स्विंग आर्म लिंक्ड टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस बाइक के ब्रेक और टायर साइज के बारे में तो यहाँ पर गाइस आपको इस बाइक के फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। जो फ्रंट डिस्क ब्रेक का डायमीटर है वो है गाइस 267mm और जो रियर डिस्क ब्रेक का डायमीटर है वो है गाइस 220mm। और यहाँ पर आपको इस बाइक में ड्यूल चैनल ABS एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस बाइक के टायर साइज की तो यहाँ पर आपको इस बाइक में फ्रंट और रियर में 17 inches के टायर साइज जो है वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो बाइक फ्रंट टायर की विड्थ रहेगी वो रहने वाले गाइस 110mm की और जो रियर टायर की विड्थ रहेगी वो रहने वाले गाइस 130mm की। और अगर बात की जाए इस बाइक के कंसोल के बारे में तो इस बाइक में गाइस आपको फुली डिजिटल कंसोल जो है वो देखने को मिलेगा। और इस कंसोल के अंदर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और ऐसी ढेरों सारे इन्फॉर्मेशन आपको कंसोल के अंदर देखने को मिलेगी। और गाइस, आपको मेरे को जरूर कमेंट करके बताने कि आपको इस बाइक की लुक कैसी लग रही है और फ्यूचर में गाइस अगर बाइक लॉन्च होती है तो आप इसको परचेस करना चाहोगे या नहीं। तो गाइस, जो है यामाहा एम स्लेज 150 है ये काफी प्रीमियम बाइक है। और अगर बात की जाए इस बाइक की कॉस्ट की तो गाइस इस बाइक की जो कॉस्ट है वो इंडियन मार्केट में बिकने वाली यामाहा R5 वर्जन 4 से भी ज्यादा है। तो गाइस, अगर ये वाली बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो गाइस कोई भी इस बाइक को परचेस नहीं करेगा। बट हाँ गाइस, जो वाली बाइक है वो इन फ्यूचर में यामाहा FZ वर्जन 4 के अवतार में जो है वो लॉन्च होने वाली है। और गाइस, ये मैं श्योर हूं कि इस बाइक की जो लुक्स है वो सेम यामाहा FZ वर्जन 4 से बिल्कुल सेम होगी। बट हाँ गाइस, जो बाइक की बिल्ड क्वालिटी है वो हमें थोड़ी वीक मिलेगी, जैसे गाइस अभी यामाहा FZ वर्जन 3 के हमें मिल रही है। और जो भी यार FZ वर्जन 3 का ओनर है उसको पता है कि इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और कितनी टैंक की प्रॉब्लम जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ी है। और गाइस, अगर यामाहा एम स्लेज इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती है FZ वर्जन 4 के अवतार में तो इस बाइक में गाइस आपको स्प्लिट सीट, यामाहा एक्स कनेक्ट टेक्नोलॉजी, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ और ऐसे ढेरों सारे फीचर आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएंगे। और गाइस, अगर बात की जाए इस बाइक के एक्सपेक्टेड प्राइस की तो गाइस इस बाइक का 1,30,000 के आसपास का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस होगा। बट हाँ गाइस, जो बाइक की बिल्ड क्वालिटी वो आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी अभी यामाहा एम स्लेज की मिल रही है। और अगर बात की जाए इस बाइक की लॉन्चिंग डेट की तो गाइस ये वाली जो बाइक है वो हमें अगले साल यानी कि 2023 में इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, प्लीज हमारे साथ इस वीडियो के कमेंट में शेयर कीजिएगा। और गाइस, अगर आपको ये बाइक अच्छी लगी हो तो गाइस ये भी चीज गाइस आपको मेरे को नीचे कमेंट करके बताना है। और गाइस, आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो जिसका लिंक गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।